नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ। हिसार वासियों ने जो सपना आज से 5 साल पहले देखा था, वह सपना पूरा हो गया है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा हिसार के एयरपोर्ट का उद्घाटन कर फ्लाइट से हिसार से चंडीगढ़ तक का दौरा किया। यह दृश्य काफी देखने लायक था। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला, सांसद ब्रिजेंद्र सिंह, मेयर गौतम सरदाना, जिला महामंत्री सुजीत कैमरी वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ हिसार के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सबसे पहले प्रेस वार्तालाप की, वे उसके बाद स्पाइस जेट से हिसार से चंडीगढ़ तक का सफर किया। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत में कहना है कि ये एक ऐसा स्वर्णिम पल है जिसे चाहकर भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भाजपा सरकार की, जो लबों से कभी बयान नहीं की जा सकती। आज हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है, और जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये उद्घाटन किया है। तो इस मौके पर मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसा लग रहा है इन्हें। जी सुजीत जी, कैसा लग रहा है आपको कि हिसार में एक बहुत ही बड़े काम को अंजाम दिया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल? हरियाणा के लिए ये सबसे बड़ी सौगात अब तक की रही है सभी मुख्यमंत्रियों में से, और ख़ास तौर से हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके कार्यकाल की भी ये सबसे बड़ी उपलब्धि हम लोग मानते हैं। हिसार ही नहीं, पूरा हरियाणा गौरवान्वित महसूस कर रहा है आज का दिन, जो इतिहास के पन्नों पर लिखा गया है। और इस एयरपोर्ट के माध्यम से हिसार के आसपास राजस्थान लगते हुए चौतरफा विकास होगा। तमाम होटल कंपनी, एजुकेशन और विश्व लेवल की जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, तमाम देश विदेश से बच्चे पढ़ने यहाँ पर आएंगे, और एक सुनहरे अक्षरों पर आज का दिन हम लोग याद रखेंगे। हमारे लिए सबसे खुशी का ये दिन है आज की। अभी मेरे साथ मौजूद हैं मिसेज डॉक्टर कमल गुप्ता जी, तो इनसे जानते हैं कि जो इनके जो हस्बैंड का सपना था कि हिसार के अंदर एयरपोर्ट इनके जो कार्यकाल में है वो शुरू हो जाएगा, तो इनसे जानते हैं कि इन्हें कैसा लग रहा है। जी मैम। देखिए, मेरे हस्बैंड डॉक्टर कमल गुप्ता की ये 5 साल के अथक प्रयास थे कि आज ये शुरू हो गया और ये उड़ान शुरू हो गई। ये तो हिसार के लिए गौरव की बात है और हम लोगों के लिए तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है, और आगे चल के इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। हिसार वासियों की तरक्की होगी, हिसार की तरक्की होगी, बहुत नए रोज़गार का मौका मिलेगा, तो हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है ये। सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को, आपने हिसार वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि इस फ्लाइट में ज़रूर जाएं, और इस ताकि ये फ्लाइट चलती रहे, सक्सेसफुल हो, और ये सभी का सपना होना चाहिए कि हिसार का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, इसलिए सब इसमें ज़रूर जाएं। किसी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उड़ान में जाना या ना जाना तो कोई बहुत मायने नहीं रखता हमारे लिए। हमारे लिए तो ये है कि उड़ान आज शुरू हो गई, ये हमारे लिए सबके लिए बहुत। आपका कितना बड़ा हाथ था इसमें? मेरा तो कोई ऐसा हाथ नहीं था, डॉक्टर साहब की मेहनत और सभी जो वर्कर्स हैं हमारे बीजेपी के, सबका सहयोग था। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस शुभ अवसर पर? देखिए, ये तो सबसे बढ़िया बात है कि हिसार के अंदर एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है, और इसकी पिछले काफ़ी दिनों से हम सब इंतज़ार कर रहे थे इस चीज़ का। और अभी हम जब यहाँ एयरपोर्ट आ रहे थे तो हम ये रास्ते में डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि जैसे ही जम्मू की फ़्लाइट होएगी शुरू, तो हम सब जो हैं फ्रेंड्स मिल करके जम्मू माता वैष्णो देवी के जब हमारे दर्शन करने होंगे तो हम पहले फ़्लाइट से ही जाएँगे, क्योंकि जो इसका जो मार्ग रहेगा वो बड़ा सुगम रहेगा। क्योंकि मुझे पिछली बार याद है जब मैं जम्मू गया तो मुझे पहले दिल्ली जाना पड़ा, दिल्ली से एयर फ्लाइट लेके जम्मू जाना पड़ा, तो बड़ा इनकन्वीनियंस रही। तो अब हम यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी और भी जो स्टेशन हैं, जैसे जयपुर और अपना दिल्ली, जम्मू और उसके बाद देहरादून, इन 4 स्टेशन को सेकंड जो है उसमें फेज़ में शुरू किया जाना है, तो हम उसकी भी और हमारी जो इंतज़ार की जो ललक है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। हिसार काफ़ी तरक्की पे चला जाएगा, और जितनी नौकरियां वगैरह है वो सारी हिसार की कहीं बाहर नहीं लगेगी, हिसार की हिसार में लग जाएगी और काफ़ी तरक्की करेगा, और ज़मीनों के और के अब जो रेट हैं वो आसमानों को छू जाएंगे। तो इस विषय पे आज जैसे आज पहली उड़ान यहाँ से देने पड़ रही है, तो आगे क्या उम्मीद लगाए बैठे, अब क्या होगा? अब होना क्या, अब आगे दिल्ली की, फिर चंडीगढ़ तो शुरू होगी, आगे देहरादून, मतलब तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे अब आगे के लिए। जी सर,
सर आपको क्या लगता है और क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है हिसार वासियों को और पूरे हरियाणा वासियों को? जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी आई 2014 में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बने और उनका हिसार विजिट आने पर, पहली विजिट पे ही उन्होंने ये हिसार वासियों को एक टाइप से तोहफे के रूप में कहा था कि मैं हिसार का एयरपोर्ट जल्दी से जल्दी शुरू करवाऊंगा। इसमें कुछ देरी हुई है मैं मानता हूं, फिर भी अल्टीमेटली लास्ट में ये आकर के आज हम इतना खुशी महसूस कर रहे हैं कि मेरे ख्याल जितने भी लोग खड़े हैं और हिसार वासियों के जैसे ही पता लगा कि आज हमारी फ्लाइट चंडीगढ़ के लिए शुरू हुई है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी और उनके साथ हमारे विधायक श्री कमल गुप्ता जी और अन्य भी नेतागण जो साथ गए हैं, और उन्होंने भी हमें ये मैसेज दिया है कि आप भी हमारे पीछे पीछे हमारी तरह हर फ्लाइट पे आप विजिट करें। इस स्वर्णिम अवसर पर आप ये मान सकते हैं कि जो हिसार है वो एक डेवलपिंग सिटी से डेवलप सिटी बनने वाली है? निश्चित तौर पे अगर आप आज बात करो तो हिसार का एक सौभाग्य है कि आज मुख्यमंत्री जी ने हिसार को एक ऐसी सौगात दी है जो भविष्य के अंदर हिसार के स्थानीय लोगों को एक लाभ मिलने का काम होगा। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, स्थानीय विधायक कमल गुप्ता जी को और हिसार के तमाम जनता जितनी है सभी को शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का कि आज हमारे को इतना एक सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस एयरपोर्ट के माध्यम से हमारे को एक हिसार डेवलप होने का एक सुनहरा अवसर, जो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट भविष्य के अंदर होने वाली है। तो मैं आप सब आपके चैनल के माध्यम से यही एक संदेश हिसार वासियों को देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग मिलजुल करके हिसार इस एयरपोर्ट की सुविधा का लाभ लें और हिसार को एक विकास की ओर बढ़ाने का काम करें। और किस क्षेत्र में आपको लगता है सर विकास हो पाएगा इस सुनहरी अवसर की वजह से? इससे मान लें कि सारे जगह, जैसे कि हिसार एयरपोर्ट का नाम है विश्व लेवल पर गया है और विश्व के अंदर हिसार का नाम गया, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये हमारा हिसार वासियों का सौभाग्य है कि हिसार को ये बहुत बड़ी सौगात मिली है। और कैसा लग रहा है सर आप? हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद भी करते हैं कि हम तो ना देखें, हमारी जो आने वाले युवा पीढ़ी है वो इस एयरपोर्ट का पूरा आनंद लेंगे और उनको जॉब के लिए या किसी काम के लिए या विदेश जाना हो तो उनको किसी तरह का वो ना हो, इसलिए पूरी सुविधा यहाँ बीजेपी ने दी है और माननीय मुख्यमंत्री का और उनकी पूरे टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक बात सुजीत जी, मेरे से सीनियर है, कल मैंने किसी बंदे से पूछा, कोई ज्योतिषी था, उसने ये बताया कि मुख्यमंत्री की जो हाथ की रेखा है, उन्होंने कहा है कि इस हाथ रेखा के अंदर ऐसा वो है कि उनका कभी भी ये नहीं हो सकता कि वो मुख्यमंत्री से हट सकते हैं, उनका बहुत लंबा समय मुख्यमंत्री का रहेगा। इसलिए सार वासियों को मैं बताना चाहूँगा कि उनकी हाथ की जो रेखा है किसी की भी नहीं मिली है, उस ज्योतिषी ने मेरे को बताया कि इनकी रेखा बहुत अच्छी है, लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का वो पूरा वो करेंगे। सर आपको कैसा लग रहा है और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताता हूँ कि किसी भी विकसित नगर के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है उसकी परिवहन व्यवस्था होती है। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार के माध्यम से देखिए हिसार के अंदर रेलवे का इतना विस्तार हुआ, अब लंबी दूरी की रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, परिवहन व्यवस्था जो कि हम रोडवेज की बात करें, रोडवेज व्यवस्था इतनी अच्छी हुई और आज क्या हुआ कि उड्डयन व्यवस्था जो हमारी है, एयरपोर्ट जो है ये विकसित हुआ और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली एयरपोर्ट से भी बड़ा एयरपोर्ट हिसार में बनने जा रहा है, तो हिसार वासियों के लिए तो बहुत गर्व की बात है। क्या मैसेज देना चाहेंगे और कैसा लग रहा है आपको? ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का आज मौका है कि हिसार को हरियाणा का नहीं बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट मिलने जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज हो गई है और आने वाले समय में हिसार में सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा और मेंटेनेंस भी यहाँ पे हवाई जहाज़ों की होगी, जो पहले बार सिंगापुर और दुबई में जाना पड़ता है, उससे क्या है हमारी विदेशी मुद्रा भी बचेगी और हिसार में रोज़गार के नए अवसर भी पैदा होंगे और हिसार वासी बहुत ही गर्वंत महसूस कर रहे हैं कि आज हिसार शहर भी बड़े मेट्रो सिटी के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा और यहाँ आगे भी डेवलपमेंट होगा और यहाँ से जो रेलवे स्टेशन भी इस हवाई अड्डे के साथ जोड़ा जा रहा है, जो अपने आप में एक अनूठा कदम होगा, यहाँ हवाई पूरी तरह से जो लंबी दूरी की ट्रेनें साथ में जुड़ेंगी, जो सुपर फास्ट होंगी, बहुत ही तेज़ी से हमें दिल्ली वगैरह और अन्य स्टेशनों पर पहुँचाएंगी। ये मैं फिर से सभी हिसार वासियों को, क्या पूरे हरियाणा वासियों के लिए बधाई का पात्र है, आज पूरी बधाई देना चाहते हैं हम, क्योंकि आज हमें ये बहुत ही बड़ा तोहफा मनोहर सरकार ने दिया और केंद्र सरकार मोदी जी ने भी एक बार
अपने मलोट रैली में इसका जिक्र किया था उन्होंने। स्पेशल उन्होंने कहा कि हिसार हवाई अड्डा में ऐसा बनाएंगे कि आसपास के 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर के लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी, इसलिए हम बहुत खुश हैं। हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जो पहले यहाँ से विमान ने उड़ान भरी थी उसके बाद जो वो कंटिन्यू नहीं हो पाई, आपको क्या लगता है कि इस दिन के बाद वो कंटिन्यू हो पाएगी? ऐसा तब की सरकार और आज की सरकार में फ़र्क है, ठीक है। एक तो फ़र्क ये है, दूसरा उस वक्त का जो एटमॉस्फेयर, उस वक्त की जो जनसंख्या और आज की जनसंख्या में भी फ़र्क है। उस वक्त जो अपार संभावनाएं नहीं थी, आज अपार संभावनाएं हैं। आज जनता के पास टाइम नहीं है और वो जल्दी से जल्दी जाके अपना काम निपटा के आना चाहते हैं, तो इसलिए अब ऐसा नहीं होगा अब, क्योंकि आपको दिख रहा है ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट हुआ है जैसे। तो इस तरह के फ़ायदे मिलने वाले हैं हिसार की जनता को, हरियाणा को? इसका फ़ायदा आप ये देखो, जो दिल्ली एयरपोर्ट है उसके पास गुड़गांव है। गुड़गांव आज से 35 वर्ष पहले क्या था और 35 वर्ष में उन्हें कितनी डेवलपमेंट की है। इंटरनेशनल लेवल पे वो एक बहुत बड़ा शहर है, हरियाणा में ही नहीं पूरे विश्व में उनका नाम है। उसका एकमात्र कारण केवल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और दिल्ली का एयरपोर्ट केवल 4300 एकड़ में है और हिसार का एयरपोर्ट 7300 एकड़ में बनने वाला है, तो उससे ज़्यादा संभावनाएँ हैं यहाँ। क्या लगता है सर, जो इंटरनेशनल जो वो है प्लेन्स है वो कब तक आवागमन शुरू हो जाएगा उनका? जल्दी हो जाएगा शुरू, आज पहली उड़ान हुई है तो ये मान के चलो कि बहुत जल्दी से इंटरनेशनल उड़ान भी शुरू हो जाएगी। आपको कैसा लग रहा है आज, आप एक किसान हैं और आपके जो शहर में इतना बड़ा एक विकास कार्य हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? किसान के पास सबसे बड़ा समय का अभाव रहता है, तो इसमें क्या है कि जम्मू जाने की बात तो दूर की बात होती है, दिल्ली या चंडीगढ़ के लिए अभी 2 दिन चाहिए। तो अभी हमें तो ये खुशी हो रही है कि सबसे बड़ी तो कि सुबह जाएंगे शाम को वापस आ जाएंगे और जम्मू की यात्रा भी बहुत सुगम हो जाएगी, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं किसान हूँ, किसान से जुड़ी हुई एक्सपोर्ट बढ़ेगा इससे, हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनया है इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, दूध के दाम बढ़ेंगे इससे और किसानों का फसल का भी उचित मूल्य मिलेगा, दूध का भी उचित मिलेगा, इससे हम बहुत खुश हैं, हमारे अंदर बहुत खुशी है इस बात की। और बाहर से कंपनियां आएंगी, इससे हमारे को यहाँ रोज़गार भी मिलेगा और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, इससे हम बहुत खुशी है हमारे अंदर।